आज हम पढ़ने लगे हैं फॉस्फोलिपिड्स के डिफरेंट यूजेस। फॉस्फोलिपिड्स नेम से जाहिर है कि फॉस्फोलिपिड्स को किसी बॉन्ड को तोड़ेगा। अब किस चार तरह के ये होते हैं, ए फॉस्फोलिपिड्स, ए फॉस्फोलिपिड्स, बी फॉस्फोलिपिड्स, सी एंड फॉस्फोलिपिड्स डी। फॉस्फोलिपिड्स ए आगे से दो तरह के होते हैं, फॉस्फोलिपिड्स ए वन और फॉस्फोलिपिड्स ए टू। सबसे पहले बात करते हैं फॉस्फोलिपिड्स ए वन, फर्स्ट एसाइल जो हमारा लगा सबसे पहले हमें फॉस्फोलिपिड का स्ट्रक्चर का पता होना होगा, तो तभी तो हम बॉन्ड चढ़ेंगे ना। तो फॉस्फोलिपिड में क्या होता है, एक ग्लिसरॉल होता है, ठीक है। ग्लिसरॉल क्या होता है, थ्री कार्बन और थ्री हाइड्रोक्सल है उसके साथ। तो ये सारा जो हमारा है ये ग्लिसरॉल। और क्या होता है, इसमें दो एसाइल होते हैं और एक फॉस्फो ग्रुप होगा, ठीक है, फॉस्फेट ग्रुप होगा, और उसके साथ एक फॉस्फेट ग्रुप के साथ एक बेस होती है फॉस्फोलिपिड पूरे में। अब हम देखते हैं ये फर्स्ट एसाइल है, ये सेकंड एसाइल है, ये फॉस्फेट ग्रुप है, ये इसके साथ बेस लगी हुई है, ये सारा ग्लिसरॉल है, ठीक है। अब ये जो फॉस्फोलिपिड एट हुआ है ना, ये फर्स्ट एसाइल को रिमूव कर देता है, फॉस्फोलाइपस 2 है, ये सेकंड एसाइल को रिमूव कर देता है। अब ये जो फॉस्फोलाइपस बी है ना, ये फर्स्ट को भी रिमूव कर देता है और सेकंड को भी रिमूव कर देता है, ठीक है, दोनों को रिमूव कर सकता है। अब ये जो सी है फॉस्फोलाइपस सी, इसने क्या करना है, थर्ड ए बी सी, ए वन ने फर्स्ट एसाइल को रिमूव किया, ए टू ने सेकंड को, बी दोनों कर सकता है, ए और एल फर्स्ट वाले को भी और सेकंड वाले को भी। अब जो थर्ड पे फॉस्फेट ग्रुप लगा हुआ है फॉस्फोलाइपेस सी, इसको तोड़ता है, फॉस्फोलाइपेस सी इस फॉस्फेट ग्रुप को रिमूव कर देता है सारा विद द, ठीक है, इसको रिमूव कर देता है। अब ये जो हमारे पास बेस है, इसको कौन तोड़ देता है, इसको और ओ को साथ तोड़ने के लिए हमारे पास एंजाइम आता है फॉस्फोलाइपेस डी, ठीक है। ये जो बी डबल बॉन्ड ओ है ना, हेलो,